हर महादेव एंड गुड मॉर्निंग गाइस। तो मैं पहुंच चुका हूँ उधमपुर। ये मेरे पीछे ट्रेन है जिससे हम अभी आए हैं। तो चलो चलते हैं अब यहाँ से अपना पहलगाम के लिए, देखते हैं क्या मिलता है हमें। तो उसके बाद मिलता हूँ मैं आपको। देखिए स्टेशन में ये कितने सारे कुत्ते बंदर ऐश हैं, ये तो पूरी सारे यात्री यहाँ पे खाना डालते हैं इनको। पूरा बढ़िया है, अगलों के लिए खाना मिल जाता है। ये है रामनगर। तो राम के नगर में तो ये सब ऐश ले ही रहे हैं भाई। उधमपुर रेलवे स्टेशन, वेलकम टू श्री अमरनाथ जी यात्रा 2023 यात्रा रजिस्ट्रेशन काउंटर। यहाँ पे पर्ची दिखाते हैं, अपना राशन कार्ड बनवा रहे हैं रेलवे स्टेशन में ही। यहीं पे स्टेशन के अंदर ही ये अपनी रजिस्ट्रेशन हो गई है, ये अपना RFID कार्ड बन चुका है। तो हम सीधा हम पहलगाम जाके अपनी यात्रा शुरू कर सकते हैं। ये उधमपुर रेलवे स्टेशन में ही आपको ये RFID कार्ड बन जाएगा आपका। तो गाइस उधमपुर रेलवे स्टेशन उतरने का आपको एक ये फ़ायदा है कि जो आपका RFID कार्ड है यात्रा का, वो आपका यही बन जाएगा स्टेशन पर ही, जिससे आप यात्रा पहलगाम से शुरू कर सकते हैं। आपको वहाँ लाइन में नहीं खड़ना पड़ेगा। तो इसलिए आप उधमपुर रेलवे स्टेशन से आएँ और यहाँ से अपनी टैक्सी वगैरह जो भी आपको साधन मिलता है उसे करें। गाइस हमने यहाँ एक इंफॉर्मेशन और ली है, जैसे आपकी रजिस्ट्रेशन नहीं हुई हुई तो आप पहलगाम या बालटाल से अपनी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं तत्काल ही, तो वो आपको वहाँ से अलाउ कर देंगे। जैसे आप रेलवे स्टेशन से बाहर आएंगे आपको यहाँ टैक्सीज और ऑटो मिल जाएंगे। ऑटो आपको बस स्टैंड छोड़ देगा और यहाँ से टैक्सी आपको पहलगाम के लिए भी मिल जाएगी। बट अभी हम जा रहे हैं पहले बस स्टैंड, वहाँ से देखते हैं क्या मिलता है हमें। गाइस ये है यहाँ का बस स्टैंड उधमपुर का। अब हम यहाँ से देख रहे हैं बस मिल जाए, क्योंकि शेयरिंग वाला तो यहाँ मांग रहा है टैक्सी वाला 500 रुपये, बाकी बस देखते हैं। गाइस अब हमें बनिहाल की बस मिल गई है डायरेक्ट, तो वहाँ से देखो फिर आगे पहलगाम कैसे जाएंगे। तो वो अभी तो मिल गई है, वो जो लोकल टैक्सी वाला था वो हमें मिसगाइड कर रहा था कि हाँ 500 रुपये दे दो तो मैं तुम्हें छोड़ दूँगा, यहाँ से कोई बस नहीं जाती। पर हमने पता किया यहाँ लोकल बंदों से, तो उन्होंने कहा यहाँ से बस जाती है तो आप वेट करो। हमने वेट किया, अब हम यहाँ बस मिल गई है, तो आप देखते हैं बनिहाल तक जाते हैं, उसके बाद जैसे भी होगा फिर मैं आपको अपडेट देता हूँ। हर हर महादेव। गाइस बस वाले ने बनिहाल तक काम से 180 रुपये किराया लिया है। सर्वेश्वराय सदाशिवाय, सर्वेश्वराय सदाशिवाय, सर्वेश्वराय। तो गाइस अब 1:30 बज चुका है और हम बनिहाल में पहुंच चुके हैं। रेलवे स्टेशन से यहां से ट्रेन लेंगे, फिर यहां से देखते हैं कहां जाते हैं, फिर मैं आपको बताता हूं, अपडेट देता हूं। बनिहाल का रेलवे स्टेशन फिर से ऐसे लाड़ के स्विट्जरलैंड वो ट्रेन है जिससे हम बनिहाल से आए हैं। देख लो कितना रश है इस ट्रेन में। और जब हम आए थे ट्रेन को और जब हम ट्रेन में चढ़े थे तब भी ये ट्रेन हमारी मिस होने वाली थी, तो फौजी भाई कह रहे थे जल्दी चढ़ जाओ, बस ये निकलने लगी है। एक्स्ट्रा टाइम रोका था इसको 10 मिनट के लिए। ये देखो इतनी भीड़ है इसमें। यहाँ पे जो ट्रेन होती है वो बहुत कम चलती है,
तो इसलिए यहाँ बहुत भीड़ होती है ट्रेनों में। हम पहुँच चुके हैं अनंतनाग, यहाँ से बाहर निकलेंगे, देखते हैं बस मिलेगी या टैक्सी मिलेगी, फिर उसके बाद चलते हैं पहलगाम, फिर वहाँ पहुँचकर आपको फिर बताता हूँ अपडेट वहाँ की क्या रहेगी। चलो मिलते हैं थोड़ी देर में। अनंतनाग में आपको टैक्सी स्टैंड मिल जाएगा और यहाँ से आपको पहलगाम के लिए और बालटाल के लिए जहाँ भी आपको जाना है वहाँ के लिए आपको टैक्सी मिल जाएगी। का नज़ारा, अभी हम पहुँचने वाले हैं पहलगाम, तो फिर मैं आपको जाकर दिखाऊंगा वहाँ की हंसी हंसी वादियों का नज़ारा। तो गाइस अब हम पहुंच चुके हैं पहलगाम। ये जो मेरे पीछे है ये इस टैक्सी में आए थे हम शेयरिंग में, तो वहाँ से 5 लोग और आ रहे थे पहलगाम ही, तो 2-7 लोगों की इसमें सीट थी, तो इसने हमसे 2000 रुपये लिए हैं, तो 280-285 रुपये हमें पड़ गए हैं पर पर्सन, मतलब 300 रुपये लगा लो मोटा मोटा। तो अब हम जा रहे हैं पैदल पैदल, यहाँ से 1/2 किलोमीटर रह गया बेस कैंप। ये सामने आ गया बेस कैंप, अब जा रहे हैं उसी के पास। अब मैं पहुँच चुका हूँ एंट्री गेट पर, अब यहाँ अपनी एंट्री होएगी, तो देखते हैं क्या सीन है आगे का। तो जैसे आप जानते हैं ये सावन का पहला दिन और इतना पावन है ये दिन, तो महादेव के आ चुके हैं दर पे, तो अब सावन की शुरुआत यहीं से करेंगे। तो चलो पढ़ते हैं आगे, हर हर महादेव, हर महादेव। तो यहाँ से 200 मीटर है बेस कैंप, तो चलो चलते हैं, अब चेकिंग कराते हैं और एंट्री करते हैं आगे। अब मैं पहुँच चुका हूँ सिक्योरिटी चेक पॉइंट पे, यहाँ पे सिक्योरिटी चेकिंग होती है, बैग चेक होते हैं और आपकी चेकिंग होएगी, तो चलो करवाते हैं फिर निकलते हैं यहाँ से आगे बेस पॉइंट की तरफ। तो मैंने चेकिंग करवा ली है अपनी, अब मैं बेस कैंप की तरफ जा रहा हूँ, तो देखते हैं क्या सीन है वहाँ स्टे का, अगर वहीं रहने को हो तो आज वहीं रुकेंगे, आगे जाएंगे नहीं अगर जाने दिया तो। वैसे तो मेरे ख्याल से आज जाने नहीं देंगे क्योंकि 5:30 हो चुके हैं, तो सुबह ही जाएंगे थोड़ा जल्दी। अब हम बेस कैंप पे जाते हैं और वहीं स्टे करते हैं और खाते हैं कुछ, सुबह का खाया भी नहीं है कुछ क्योंकि पहले बस बदली फिर ट्रेन बदली, इसी में रह गए, तो चलो अब खाते हैं भंडारा। तो अब मैं पहुँच चुका हूँ बेस कैंप, ये बस थोड़ी सी आगे जाके बेस कैंप पे आ जाएगा। चलो आप दिखाता हूँ मैं बेस कैंप के नज़ारे आपको। बेस कैंप के अंदर एंट्री कर चुके हैं, ये आप देख सकते हैं भक्तों की कितनी भीड़ है यहाँ पे। अब देखते हैं क्या है रहने का यहाँ पे, लंगर तो इस साइड है, पहले देखते हैं इधर ही जाकर क्या कुछ है। चलो मिलता हूँ मैं आपको आगे जाकर। ये देखो मार्केट बनी हुई है प्रॉपर यहाँ पे, तो यहाँ पर बेस कैंप में आपको हर सुविधा मिल जाएगी, प्रॉपर मार्केट बनी हुई है, जैसे आपको कपड़े चाहिए हो, गरम कुछ भी चाहिए हो, मतलब यहाँ प्रॉपर एक मार्केट बनी हुई है, आप कुछ भी ले सकते हैं यहाँ से। तो बेस कैंप में ही हमने टेंट ले लिया, तो अगर आप नीचे सोओगे तो 300 रुपये का टेंट मिलेगा पर पर्सन के हिसाब से, अगर आप मंजे के साथ लोगे मतलब बेड के साथ, उसको ये बेड ही बोल रहे हैं मंजे को, तो वो 375 का है, तो हमने वही लिया 375 का। चलो दिखाता हूँ मैं अब आपको अपने टेंट। दोस्तों ये रहा अपना टेंट भैया, ये वाला तो छिबक, तो ये यहाँ पर आप नहा सकते हो, ये बाथरूम बने हुए हैं देखो, बहुत सारे बना रखे हैं यहाँ पे, और यहाँ टॉयलेट भी है फ्रेश होने के लिए, लेडीज़ का अलग है और जेंट्स का अलग है, तो कोई दिक्कत नहीं है, सुविधा बहुत बढ़िया कर रखी है सरकार ने। ये देखो इतने सारे टेंट हैं यहाँ पे, अच्छा बना रखा है बेस कैंप में। शिव भक्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे बेस कैंप में भंडारे भंडारे लगे हुए हैं शिव भक्तों के लिए, ये देखो चारों तरफ
पनीर पता नहीं क्या क्या सब चल रहा है, बढ़िया बढ़िया। यहाँ पे बरनाले का भंडारा चल रहा है, ये कढ़ी और अपना साग और मक्की रोटी और छोले और अपना शक्कर गुड़। हाँ ये आ गया अपनी थाली, मक्की की रोटी, साग, शक्कर, लस्सी। देखो मटर छीन रहे हैं। यहाँ पे हर तरफ लंगर चल रहा है, कहीं साग का चल रहा है, कहीं पनीर का चल रहा है, कहीं मक्की की रोटी, शक्कर, हर तरह का लंगर आपको यहाँ खाने को मिलेगा। सेमिया लिए, सेमियों का लंगर भी चल रहा है यहाँ पे और खाना भी चल रहा है। किधर भी दिखा दो, ये भाई भी ले आया ना मैंने। आप देख रहे हैं सारे रास्ते में भंडारे लगे हुए हैं, ये रुमाली रोटी सामने वो देखो, मेरे भाई रुमाली रोटी तैयार कर रहा है। शिव शंभू। यहाँ शिव भक्तों के लिए वाटरमेलन भी और कॉफी भी सर्व की जा रही है, आरती चल रही है। इस टाइम मैं आरती दिखा रहा हूँ आपको। आप सीधा काउंटर पर जाकर पर्ची काट कर बैठो, हर तरह का लंगर आपको मिलेगा। आपको पनीर, कढ़ी, अगर आपको सरसों का साग, मक्की की रोटी, शक्कर, देसी घी, दही और पान, कुछ भी आपको खाना है, नान, बटर नान और लच्छा पराठा, कुछ भी हर चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाती है। जो भी आपका दिल करता है शिव भक्तों के लिए, वो हर तरह की चीज़ यहाँ पे प्रोवाइड की गई है, मिलेगा। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट लोगों के, तब तक के लिए हर हर महादेव।